आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना फ्लिपकार्ट अकाउंट कैसे बना सकते हो अपने मोबाइल से। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गजानन और टेक्निकल गजू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं हमारे मोबाइल के स्क्रीन में। तो फ्लिपकार्ट में अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले फ्लिपकार्ट ओपन कर लीजिए। आप चाहे तो गूगल क्रोम में भी जाकर अपना फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे ऐप में ये पेज आता है जो कि फ्लिपकार्ट का होम पेज है। इसके बाद आप देखते होंगे कि आपके बाई साइड की तरफ थ्री लाइंस दिख रहे होंगे, तो आपको सिंपली सा वहाँ पर क्लिक कर देना है। थ्री लाइंस में क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, तो आपको माय अकाउंट पे क्लिक कर देना है। माय अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो आप मोबाइल नंबर एंटर कर देना है और वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए ताकि उस नंबर पे ओटीपी आए तो आप इसमें फिल कर सके। मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है और आपका जो है ओटीपी आपके मोबाइल में आ जाएगा और उस नंबर वाला सिम आपने मोबाइल में लगा हुआ है तो वो ऑटो वेरीफाई कर लेगा आपके ओटीपी को। और इस तरह से हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हमें हमारा डिटेल्स भरना होता है, तो आपको सिंपली सा पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है और फर्स्ट नेम में अपना नेम, लास्ट नेम में सरनेम लिखकर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट में क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, तो आपको स्क्रॉल करके नीचे के साइड में आना है और माय एड्रेस का ऑप्शन दिखेगा आपको। तो माय एड्रेस के ऑप्शन के नीचे व्यू मोर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप व्यू मोर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे हमने पहले से ही ऑलरेडी अकाउंट एड्रेस भर चुका है तो हमारा एड्रेस शो हो रहा है। और आपको कुछ न्यू एड्रेस फिल करना है तो ऐड अ न्यू एड्रेस पे क्लिक कर देना है। ऐड अ न्यू एड्रेस पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पे पिन कोड नंबर, हाउस नंबर, बिल्डिंग नेम, रोड नेम, एरिया, कॉलोनी, स्टेट, लैंडमार्क, नेम, 10 डिजिट वाला मोबाइल नंबर, अल्टरनेट फ़ोन नंबर, ये सब आपको फिलअप कर देना है जैसे कि हम कर रहे हैं। बिल्डिंग नेम, रोड नेम, एरिया, कॉलोनीज, सिटी, और 10 डिजिट वाला मोबाइल नंबर और फोन नंबर, यानी कि आप अपना, आपका रिश्तेदार या फ्रेंड का किसी का भी आप अल्टरनेट पे टाइप कर सकते हो। और आपको अभी नीचे के साइड में कुछ ऐसा ऑप्शन मिलेगा और वहाँ पे पूछा गया है कि ऐड एड्रेस टाइप, तो आपने जिस एड्रेस भर फिल किया है वो आपका होम एड्रेस है या ऑफिशियल, तो हमारा होम एड्रेस है तो हम होम पर क्लिक करके सेव पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हमारा जो है, और इस तरह से हमारा फ्लिपकार्ट अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और आप जिस भी कैटेगरी का प्रोडक्ट को बाय करोगे तो वो प्रोडक्ट आपके जो है एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।